गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, और तब हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। टुडेज टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। एज वी ऑल नो दैट क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4। वी ऑल्सो नो दैट इन वन ईयर देर आर 12 months। So if we talk about one quarter, then one quarter is equal to 3 months. अभी 3 months कैसे आया? 12 months को अगर हम divide कर दें, यानी 12 × 1/4, तो हमें मिलेगा 3 months, यानी एक साल में 4 quarter होते हैं, 3 3 months के, यानी 3 months, 3 months, 3 months, 3 months। तो case number 4 और इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्रॉइंग्स का केस नंबर 1, यानी टोटल हम चल रहे हैं 3 cases, हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। तो दिस इज द 4th केस, व्हेन अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में आपने अमाउंट विदड्रॉ करी है। अगेन हम ड्रॉइंग अ टेबल, एंड देन टेबल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एवरेज टाइम पीरियड, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एवरेज टाइम पीरियड, और हमने फॉर्मूला ही पढ़ा था उसका कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाई 2। अब इस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यानी कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बिगिनिंग और एंडिंग वाला टाइम। तो उसके लिए मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे आप फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग की जो टाइमिंग है वो कैलकुलेट करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस टेबल कि ये 4 quarters हैं 3 3 months के। कैसे निकले थे ये मैंने अभी जस्ट पहले एक्सप्लेन किया था कि 12 months का हमने 1/4 किया, बिकॉज एक क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अब फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून है, देन सेकंड में जुलाई अगस्त सितंबर है, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी मार्च। अब मैं इसमें इस टेबल के थ्रू, यानी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे कब कब ये ड्राइंग्स हुई हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहा है तो किस डेट को उसने ड्रॉ किया होगा। अब क्योंकि वो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो क्वार्टर है, क्वार्टर यानी 3 months का जो पूरा एक ग्रुप है, उसमें एक ही बार विदड्रॉ करेगा मनी। That is on first case के में वो 1 अप्रैल को निकालेगा, यानी कि अगर पहले क्वार्टर की बात करी जाए तो 1 अप्रैल को सबसे पहली बार ड्रॉइंग होगी। Now when the first drawing is being done on 1 अप्रैल, तो जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग होगा वो होगा 12 months, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि हमें पता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं वो हम अभी ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है। तो उस सिचुएशन में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं 12 months। एज यू कैन सी इन द बॉटम ऑफ द बोर्ड, यानी इस टेबल के जस्ट नीचे भी आप देख सकते हैं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग मैंने लिखा है इज इक्वल टू 12 months, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च मैंने वहां ब्रैकेट में लिखा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ड्रॉइंग की, कि सेकेंड ड्रॉइंग कब करी होगी। सो अगेन इन केस ऑफ सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरा क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, इसमें भी 1 जुलाई को, क्योंकि हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कर रहा है इसलिए जुलाई में 1 को ये ड्राइंग हुई होगी। इन द सेम मैनर 3rd क्वार्टर में 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी गई होगी, एंड लास्ट क्वार्टर में 1 जनवरी को। नाउ अगेन यू कैन सी दैट जो ड्राइंग लास्ट ड्राइंग 1 जन को हुई है, बिकॉज ये लास्ट क्वार्टर है और हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ये ड्राइंग्स हो रही है। तो उस सिचुएशन में जनवरी से लेकर 31 मार्च तक बचते हैं 3 months, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग हुई है वो ये 1 जन को, और वहां से लेके ईयर एंडिंग में जो टाइम बचता है वो है 3 months। नाउ अगर इन वैल्यूज को फॉर्मूला पुट किया जाए, तो फॉर्मूला एवरेज टाइम पीरियड का था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग था 12 months एंड लास्ट ड्राइंग था 3 months, तो 12 + 3/2 इज इक्वल टू 15/2 और 7.5 months। अब अगर हम इसको 7.5 months लेंगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि क्या चेंज आएगा, और अभी भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन दिस केस 15/2 लेने पर या 7.5 लेने पर फॉर्मूले में आप क्या चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एंड विथड्रू ₹20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। एंड ने ₹20,000 हर क्वार्टर की बिगिनिंग में विदड्रॉ करे हैं, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है एट द रेट 10% पर एनम। तो अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वार्टरली ड्रॉइंग्स की अगर बात करी जाए, तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि इस केस में भी कुछ बच्चे या तो उसे 20,000 ही ले लेते हैं, या फिर
कुछ उसको 20,000 इंटू 12 करते हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू यूज द कॉमन सेंस दैट बात क्यों हो रही है कि अ पर्सन इज विदड्रॉइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, और आपको पता है कि एक साल में चार क्वार्टर होते हैं, यानी कि जो ड्रॉइंग्स हुई होंगी वो सिर्फ फोर टाइम्स हुई होंगी, इसलिए 20,000 अगर हर क्वार्टर में विदड्रॉ करेगा या तो 20 into 4, यानी टोटल ड्रॉइंग्स जो हुई होंगी वो हुई होंगी रुपीज 80,000। तो IOD का अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 15/2 into 1/12। अभी 15/2 यहाँ पे कैसे आया, दैट इज एवरेज टाइम पीरियड, ये अभी हमने इस एग्जांपल से पहले ही वीडियो में बात करी है। तो अगेन इफ यू हैवंट अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट यू कैन जस्ट गो बैक एंड यू कैन जस्ट अगेन लिसन टू दैट कि वो कैसे हुआ है, यानी एवरेज टाइम पीरियड कैसे आया है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, और वो था 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स यानी 15/2। सो एज यू कैन सी 80,000 इंटू 10 जो रेट था वो अपॉन 100 इंटू 15/2 into 1/12, इसका सोल्यूशन आएगा यानी इसका जो आंसर है दैट इज रुपीज 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब मैंने कहा था कि अगर हम 15/2 की जगह इसको 7.5 लिखें तब क्या होगा। नाउ अगेन अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं 7.5 से तो बस चेंज ये आएगा कि 15/2 और यानी 15/2 जो था उसको आपने डिवाइड कर दिया पहले, अब हो गया 7.5। अब 7.5 अपॉन 1 है तो अगर उसको आप सीधे 1/12 की जगह 7.5/12 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस सिचुएशन में भी आंसर जो है सेम आएगा दैट इज रुपीज 5,000, यानी आंसर जो है हमेशा सेम होगा, इट विल नॉट चेंज आप फॉर्मूला कैसे भी यूज करें। जनरली रिकमेंड यही किया जाता है कि कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि डेसिमल्स में वो कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपली वो सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 15/2 into 1/12। नेक्स्ट केस इज व्हेन अमाउंट इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अब हर क्वार्टर के एंड में अमाउंट ड्रॉ हो रही है। अगेन यू कैन सी दिस टेबल जहां पे आपको चार क्वार्टर्स दिख रहे हैं, हर उसमें तीन तीन मंथ्स का एक ग्रुप है, क्यों है ये हम वीडियो में पहली बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून है, अब बात हो रही है कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वो ड्रॉइंग कर रहा है, यानी हर क्वार्टर के एंड में, एंड का मतलब है कि जून में ड्रॉइंग्स होंगी, सितंबर में ड्रॉइंग्स होंगी, दिसंबर में ड्रॉइंग्स होंगी और मार्च में ड्राइंग होगी। सो अगर इस टेबल और इस सिचुएशन को कंसिडर किया जाए तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी कि आपकी फर्स्ट ड्राइंग जो होगी वो होगी 30th June को, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, ऐसी सेकेंड क्वार्टर का एंड यानी 30th September सेकेंड ड्राइंग होगी, देन अक्टूबर वाला जो आपका एक ये बना हुआ है यानी जो क्वार्टर है दैट इज थर्ड क्वार्टर, इस क्वार्टर में 31st December दैट इज द एंडिंग मंथ, तो लास्ट डे उस दिन ड्राइंग्स होंगी। एंड देन अगर बात करी जाए लास्ट क्वार्टर की, उस केस में 31st March को लास्ट बार ड्राइंग्स होंगी। इस सिचुएशन को कंसिडर करके अगर हम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की बात करें तो वो होता है 9 months। कैसे, ड्राइंग पहली बार जब हुई है फर्स्ट क्वार्टर के एंड में दैट इज ऑन 30th June, और हमने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोज में बात करी भी है, यानी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर कहीं पर ड्राइंग लास्ट डे को होती है तो वो मंथ जो है कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इस सिचुएशन में जब 30th June को ड्राइंग्स हुई तो जून तो काउंट होगा ही नहीं बिकॉज जून एंड हो चुका था, तो काउंटिंग जो होगी 1st July से होगी, तो 1st July से लेकर 31st March तक आपके पास बचते हैं 9 months, तो यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गए 9 months। अब बात करिए लास्ट ड्राइंग की, लास्ट ड्राइंग हुई लास्ट क्वार्टर के एंड में दैट इज ऑन 31st March। अब क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद 31st March को ही एंड हो रही थी और उसी दिन आपने ड्राइंग करी है, तो आपके जो नंबर ऑफ मंथ्स थे वो हो गए 0, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 months। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो अगेन जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे दैट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो वो बन जाएगा 9 + 0/2। एज यू कैन सी आप उसको 9/2 भी लिख सकते हैं या फिर आप उसे 4.5 मंथ्स पे लिख सकते हैं, और अगर 4.5 लेंगे तो अगेन जो चेंज होगा वो ये होगा कि 4.5/12 होगा, ना कि पूरा फॉर्मूला जो हम यूज करते आए हैं 9/2 into 1/12 वो। तो अगर वैल्यूज को फॉर्मूला पुट किया जाए तो टोटल ड्राइंग्स जो होंगी वो होंगी 20,000 into 4। ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था कि क्वार्टर क्योंकि 4 है ईयर में तो चार बार ड्राइंग्स हुई होंगी, इसलिए 20,000 into 4 होगा दैट इज टोटल ड्राइंग हो जाएगी 80,000। देन IOD का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो 80,000 इंटू रेट यानी 10/100 इंटू 9/2 एवरेज टाइम पीरियड इंटू 1/12 इट विल बी रुपीज 3,000, यानी फाइनल जो इसका आंसर होगा वो होगा रुपीज 3,000।
So our next case is when amount is drawn in the middle of each quarter, यानी कि अगर drawings करी गई हैं और वो भी हर quarter के middle में करी गई हैं, तब क्या होगा उस situation में? Again, I'm drawing a table and I'll explain you through that कि उस situation में आप क्या करेंगे? So again, this is a table which is showing different quarters, यानी four different quarters आपको show कर रही है. First quarter है April to June वाला, then July to September. Then October to December and then January to March. अब अगर बात करी जाए इस केस की या इस सिचुएशन में जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं अक्सर बोर्ड की कॉपीज में या इवन होम एग्जाम्स में भी, वो ये है कि जब भी मिडिल की बात आती है तो कई बार क्या होता है बच्चे ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिडिल का मंथ मतलब यहाँ पे ये है कि अगर अप्रैल मई जून ये तीन मंथ्स का अगर ग्रुप है तो इसका मतलब उसने ड्रॉइंग मई में कर दी होगी. और जब आप ये चीज़ कैलकुलेट करके चलते हैं माइंड में कि मई में करी है, अगस्त में करी, नवंबर में, फरवरी में, तो वहीं से आपका जो एवरेज टाइम पीरियड है वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में मई मानते तो आप मई वन मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. वो ड्राइंग्स कब कर रहा है ये आप इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं. अब अगर बात करी जाए मिडिल में ड्राइंग्स की यानी हर क्वार्टर की, तो पहली ड्राइंग जब हुई होगी तो 15th मई को होगी, सेकेंड बार जब ड्राइंग होगी तो 15th अगस्त को, सेम वे में थर्ड टाइम 15th ऑफ नवंबर को, एंड जब लास्ट ड्राइंग होगी तो वो होगी 14th फैब को या फिर 15th ऑफ फरवरी को. इस बेसिस पे अगर हम बात करें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की तो वो होते हैं 10.5 मंथ्स. कैसे? आपने पहली बार जब ड्राइंग करी तो दैट वाज ऑन 15th ऑफ मई. अप्रैल से लेकर यानी अप्रैल 1 से लेके 15th ऑफ मई तक आपका 1.5 मंथ जा चुका था पूरे साल में से, यानी एक मंथ पूरा अप्रैल का और 15 दिन मई के चले गए, तो आपके पास बचे 10.5 मंथ्स यानी कि 16th ऑफ मई से लेके 31st मार्च तक. देन अगर बात करें जाए लास्ट ड्राइंग की, तो लास्ट ड्राइंग जब आपने करी दैट इज ऑन 14th फेब या 15th फेब, तो उस बेसिस पे उस डेट से लेके टिल 31st मार्च तक आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन बचा था दैट वाज 1.5 मंथ्स, यानी कि आधा महीना फरवरी का यानी पूरा महीना मार्च का, तो उस बेसिस पे हो जाता है 1.5. अगर आप इसे एवरेज टाइम पीरियड में पुट करेंगे फॉर्मूले को तो वो हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2. तो इसको फॉर्मूले पुट करने के बाद आपको मिलेगा 10.5 प्लस 1.5 दैट इज 12.2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स. अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं इस केस में, तब हम कैसे करेंगे ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. तो एग्जांपल है एन विद यू रुपीज 20,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम, या चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम. तो अब हम क्या करेंगे सिचुएशन में? अगेन हमें पता है कि अगर मिडिल में ड्रॉ किया है तो भी क्वार्टर जो होते हैं पूरे साल में चार होते हैं, यानी टोटल ड्रॉइंग जो होगी वो होगी 20,000 इंटू 4. एंड एवरेज टाइम अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2 या फिर 6 मंथ्स. आप 12/2 भी लिख सकते हैं उसको, 6 मंथ्स भी आप लिख सकते हैं. तो अगर हम इसे फॉर्मूला पुट कर दें तो हो जाएगा 80,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 6/12. आंसर आएगा रुपीज 4,000. अगर हम मिडिल ऑफ द मंथ और मिडिल ऑफ द क्वार्टर को कंपेयर करें तो दोनों के केसेस में जब आप टोटल ड्रॉइंग्स निकालेंगे तो मिडिल ऑफ द मंथ के केस में तो इंटू 12 होगा, बिकॉज हर बार जब भी उसने मिडिल में निकाला होगा तो थ्रू आउट द ईयर निकाला है तो इंटू 12 होगा. या अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि मिडिल ऑफ द मंथ निकाला 3 मंथ्स के लिए निकाला तो ऑब्वियसली इंटू 3 होगा. बट अगर बात करी जाए मिडिल ऑफ क्वार्टर की तो हमें पता है कि साल में क्वार्टर्स जो होंगे सिर्फ 4 होंगे, यानी 1 ईयर इज इक्वल टू ओनली 4 क्वार्टर्स. तो उस सिचुएशन में आप टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब निकालेंगे तो इनटू 4 करेंगे. अब बात करते हैं एवरेज टाइम पीरियड की इन दोनों केसेस में. एवरेज टाइम पीरियड इन दोनों ही केसेस में सेम होता है. अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात करी जाए या मिडल ऑफ द मंथ में थ्रू आउट द ईयर की बात करी जाए तो ये 6 मंथ्स का ही एवरेज टाइम पीरियड होता है. अगर मिडल ऑफ द मंथ में नंबर ऑफ मंथ्स चेंज होंगे तो स्पेसिफिकली वो चेंज होगा. मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात करी थी कि अगर सपोज वो कहता है कि अमाउंट इज विदड्रॉन इन द मिडल ऑफ मंथ फॉर 3 मंथ्स, सिर्फ 3 मंथ्स की बात करिए तो 3 का हाफ हो जाएगा दैट इज 1.5 मंथ्स आपका एवरेज टाइम पीरियड होगा. सेम वे में अगर 4 मंथ्स के लिए विड्रॉ करता है तो वो 2 हो जाएगा. अभी हम यहाँ पे जो मिडल ऑफ द मंथ को लेके चल रहे हैं थ्रू आउट द ईयर का है, इसलिए मैंने 12 से इंटू किया है और एवरेज टाइम पीरियड भी 6 मंथ्स है. लेकिन मिडल ऑफ क्वार्टर की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स होगा, बिकॉज क्वार्टर ईयर में 4 ही होंगे. अब अगर हम बात करें केस 7th की, वेन डेट्स ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट गिवन या डेट्स ऑफ ड्रॉइंग आर नॉट स्पेसिफाइड. कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेट्स ऑफ ड्रॉइंग जो है स्पेसिफाई ना करी गई हो, यानी आपको बताया ही ना हो क्वेश्चन में कि वो ड्रॉइंग कब करी गई है. फॉर एग्जाम्पल, राम विड्रू रुपीज 5,000 ड्यूरिंग द ईयर
चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। अब इस सिचुएशन में आपको ये बताया गया कि राम ने ड्यूरिंग द ईयर यानी एक साल में 5000 रुपीस जो है विदड्रॉ करे हैं, लेकिन कब करे हैं, बिगिनिंग में करे, एंड में करे, मंथली करे, क्वार्टरली करे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिया गया है, कोई डेट नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ये हम इसके सॉल्यूशन में अब देखते हैं। सो इन दिस सिचुएशन अगर हम आईओडी कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज पुट करते हैं तो पूरे ईयर में उसने 5000 रुपीज विदड्रॉ करें हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू दैट, तो 5000 टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगी। 5000 इंटू रेट 10/100 इंटू 6/12। ओके, 6/12 कैसे आया, ये एवरेज टाइम पीरियड है और जिस सिचुएशन में आपको डेट्स ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी होती हैं, आपको कुछ नहीं बताया गया होता है, वहां पर आप एक एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं, दैट इज 6/12। अब आप ये कह सकते हैं कि डेट नॉट स्पेसिफाइड, मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द क्वार्टर में सेम फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज 6/12। बस टोटल ड्रॉइंग्स निकालने का जो मेथड है वो चेंज हो जाता है। जैसे इस केस में जो ड्रॉइंग्स दिए हैं वो टोटल ड्रॉइंग्स होंगी क्योंकि और कुछ बताया नहीं गया कि पर मंथ है, क्वार्टर है, मंथली है, क्या है। अगर मंथली ड्रॉइंग्स की बात करी जाए मिडल में, तो हमें पता है 12 से इंटू करते हैं अगर पूरे ईयर का है, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपको दिया है, अभी हमने पहले डिस्कस भी किया इस बारे में। और अगर क्वार्टरली ड्रॉइंग्स की बात आएगी तो क्वार्टरली ड्रॉइंग्स केस में इट विल बी 4, यानी इंटू 4 से हम कर लेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स मिल गई, एंड देन फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। अब बात करते हैं केस नंबर 8 की, जो है प्रोडक्ट मेथड, यानी ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। सो प्रोडक्ट मेथड के केस में आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होगी, फॉर एग्जाम्पल एन विड्रू द अमाउंट एज फॉलोज, 1st June 2019 ₹20,000 एंड 1st Feb 2020 ₹12,000। अब यहाँ पे मंथली ड्रॉइंग नहीं है ना ही क्वार्टरली है, आपको बता दिया गया है कि जून 1st को ₹20,000 विदड्रॉ करते हैं एन ने, एंड देन 1st Feb को उसने ₹12,000 विदड्रॉ करे। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल तो इस टाइप से बनेगी, फर्स्ट कॉलम दैट इज डेट, देन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स जो उसने ड्रॉइंग करी है वो, देन थर्ड कॉलम है पीरियड ऑफ मंथ्स, ब्रैकेट में लिखा है अप टू 31st मार्च, यानी 31st मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है अकाउंट्स की, तो उस दिन तक जो टाइम पीरियड है वो आएगा। अगर 31st दिसंबर होगा तो अकॉर्डिंगली 31st दिसंबर तक आएगा। एंड देन लास्ट कॉलम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो होगा वो आएगा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग और पीरियड ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करके। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, जो डेट थी वो थी 1st June 2019 को जब उसने पहली ड्रॉइंग्स करी ऑफ ₹20,000, तो 1st June से लेकर 31st मार्च तक जो मंथ्स थे वो थे 10, तो 20,000 × 10 हमने करा, प्रोडक्ट में आ गया 2 लाख। सिमिलर वे में जो उसने लास्ट ड्रॉइंग करी वो करी 1st Feb को, यानी सेकेंड टाइम जब उसने ड्रॉइंग्स करी हैं तो वो करी है 1st February को, और ₹12,000 उसने ड्रॉ करे थे, तो 12,000 1st Feb से लेकर 31st मार्च तक, फेब्रवरी पूरा, मार्च पूरा, यानी 2 मंथ्स, तो 12,000 × 2 दैट इज 24। अब प्रोडक्ट का जो टोटल है दैट इज 2,24,000 जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब अगर बात करें फॉर्मूले की प्रोडक्ट मेथड की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो फॉर्मूला इसमें होता है वो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 × 1/12। क्योंकि अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो मल्टीप्लाइंग बाय द नंबर ऑफ मंथ्स, तो आप यहाँ पे इंटू 1/12 करते हो फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब अगर वैल्यूज को हम पुट कर दें फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2,24,000, यानी जो टोटल प्रोडक्ट था वो, इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 10/100 इंटू 1/12। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1,866.66, यानी कि 1,866.66, इसको आप 1,867 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की जो आपको हमेशा याद रखने हैं इनकेस वेन यू विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हुई है, सपोज आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि राम विड्रू 10,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल, ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उस अमाउंट पे नहीं लगेगा, बिकॉज उस ड्रॉइंग का जो सीधा इंपैक्ट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो ड्रॉइंग आप चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ ड्रॉइंग, 6% पर एनम वर्सेस 6%। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 6% पर एनम दिया है तो सारे फॉर्मूले एज इट इज चलेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, लेकिन अगर कहीं पे स्पेसिफिकली आपको सिर्फ 6% दे दिया तो आपको ये तो बोला ही नहीं गया कि वो 6% पर एनम है, ऐसे सिचुएशन में जो भी उसकी टोटल ड्रॉइंग है उसके सीधे आप 6% कैलकुलेट कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि उसने कब ड्रॉ किया, फर्स्ट डे, लास्ट डे, क्या,
टोटल ड्रॉइंग्स निकालिए, सीधे 6% निकालिए, दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये कब होगा? जब 6% पर एनम ना लिख कर सिर्फ और सिर्फ 6%, मतलब 6% का मतलब कोई भी रेट दिया होगा, सपोज 10% दिया है, 5% दिया है, 2% दिया है, कुछ भी दिया है, लेकिन उसके आगे पर एनम नहीं लगा है, तो आप सीधे अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। बट इन केस अगर पर एनम लगा है तो फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज जो हमने अब तक पढ़े डिफरेंट केसेस, उनको आपको अप्लाई करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।